अपने अंदर की बुराई को कैसे खत्म करें। बुराई हर किसी में होती है, अच्छाई और बुराई दोनों गुण हर मनुष्य में पाए जाते हैं। अगर मनुष्य अपने अंदर की बुराई को खत्म करे तो उसकी अच्छाई वाले गुणों से ना तो सिर्फ उसका जीवन संपन्न होगा बल्कि समाज का भी भला होगा। जिस तरह बुरे व्यक्ति के संगत में रहकर लोग बुरे हो जाते हैं, उसी तरह अच्छे लोगों के संगत में बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छाई जीवन को प्रकाशमय करती है तो बुराई हमें अंधेरे की ओर ढकेलती है। बुराई में मनुष्य अक्सर अकेला पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अंगुलीमाल तथागत जी के संगत में आकर अच्छे व्यक्ति बन गए। कल श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर इस बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूँगी। अंगुलीमाल की कहानी तो सबने सुनी होगी, पर इस कहानी द्वारा हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ये मैं आपको कहानी द्वारा बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही अंगुलीमाला, जिन्होंने 999 लोगों का खून कर उनकी उंगलियां अपने गले में डालकर दहशत मचाता था, उसी अंगुलीमाल को तथागत जी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन भिक्षु बनाया था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग शाम होते ही अपने घर में आ जाते थे और सुबह होने से पहले घर के बाहर कोई नहीं निकलता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों के गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। जिसको भी मारता उसकी उंगली काट देता और उनकी माला बनाकर पहनता था। ये वो इसलिए करता ताकि लोगों में उसका डर बना रहे। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। लोग उसकी दहशत से परेशान थे, कैसे इससे छुटकारा पाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में पहुँचे। लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा लोग किसी कारणवश परेशान हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों से उसका कारण पूछा। फिर गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा सुनाया। दूसरे ही दिन भगवान बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। लोगों ने गौतम बुद्ध को रोकना चाहा, पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर गौतम बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वह बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। थक हार कर उसने गौतम बुद्ध को कहा, रुको सन्यासी। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। तब अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। गौतम बुद्ध घबराए नहीं और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं पत्तियाँ तो क्या, पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियाँ तोड़कर गौतम बुद्ध को ला कर दी। फिर गौतम बुद्ध बोले, इस पत्तियों को फिर से जाकर उस पेड़ को लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। बुद्ध बोले, तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत।
उसी तरह किसी को जीवन नहीं दे सकते, उसे मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर वो लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है। आज से ही, बल्कि अभी से, अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो पहचानें और उसे खत्म करें। याद रखिए, जिंदगी में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसका व्यवहार अच्छा हो, फिर चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो। अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति को जीवन में मान प्रतिष्ठा देता है। दूसरों को उसके प्रति आदर ही उसकी शान बढ़ाता है। आशा है मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।